मुझे फॉलो करें स्लैश और स्लज और स्लाइड। ये सर्दी है लेकिन लगभग कोई बर्फ नहीं है और हम स्नोबॉल खेलना चाहते हैं। चलो ओलाफ की मदद करें और बहुत सारी बर्फ बनाएं। इसके लिए हमें स्टायरोफोम और एक यूटिलिटी चाकू की जरूरत होगी। एक स्टायरोफोम बॉल को आधा काटें और अपने हाथों से छोटे टुकड़ों को फाड़ दें। हमें असली बर्फ के टुकड़े मिलते हैं और वो छूने में भी कितने सैटिस्फाइंग है। वो नर्म है और वो पिघल भी नहीं रहे। आहा, हम इतने लंबे समय से बर्फ का इंतजार कर रहे थे। हम आखिर में स्नोबॉल से खेल सकते हैं। ओह, इतनी जल्दी नहीं। मैंने अपने दस्ताने अभी तक नहीं डाले हैं। मेरे पीछे छिप जाओ दोस्तों, अब हम उन्हें एक मुश्किल टाइम देंगे। मुझे लगता है कि हम एक और सर्दियों के मजे लेते हैं और हम स्लेज के बारे में बात नहीं कर रहे। ये एक शैडो शो है और हम एक रियल प्रेजेंटेशन करेंगे। ओह, ये बॉक्स हमारे आइडिया के लिए एकदम सही होगा। ओलाफ और उनके दोस्त हमारे आइडिया के साथ मदद करेंगे। वो पहले से ही बचाव में आ रहे हैं। ओह, ओहो, जल्दी करो। क्या हम टाइम पर हैं? कागज की एक और शीट और पेंसिल लें। शीट को बॉक्स के किनारों पर रखें और इसे ट्रेस करें। ये यूटिलिटी चाकू का इस्तेमाल करके आउटलाइन के साथ बॉक्स में एक होल काटें। अब हमारे पास हमारे थिएटर स्टेज के लिए एक स्क्रीन है। रूलर से एक रेक्टेंगल को नापें जिसमें 5 और 12.5 इंच की साइज हो। चाकू से इसे सही से काटें। बॉक्स के बैक से एक सर्कल काटें। हमारे छोटे थिएटर के लिए और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए हमें एक रेगुलर टेबल लैंप चाहिए। एक पावर स्ट्रिप्स के बारे में मत भूलना, वहाँ रोशनी होने दो। हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, रिमोट कंट्रोल वाला लैंप। ये पॉसिबल है, ये टीवी से ज्यादा कूल है। आर्टिस्ट, रंग बदलो। चुप हो जाओ। हम जादू के बल्ब को खोलते हैं। अब हम चमत्कार करेंगे। वाह, हम इस तरह लाइट के साथ अलग अलग परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ और क्या है? हेलो ओलाफ। हेलो स्नोमैन, हमारी स्नो कोट चमक रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे लिए ब्रेक लेना जल्दबाजी होगी। हमें अपना शैडो शो खत्म करना होगा। बॉक्स के किनारे पर एक लैंप लगाएं। थिएटर स्क्रीन बनाने के लिए सफेद कागज और टेप के टुकड़ों का इस्तेमाल करें। ओह दोस्तों, तुमने यहाँ क्या किया? तुमने सभी टूल्स को मिला दिया। हाँ, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। ओलाफ ने लुका छिपी के खेल का ऑफर किया। थिएटर को सजाने के लिए हमें एक हॉट गन, कपड़े, ट्यूल, फॉक्स फर और एक रिबन चाहिए। फेल्ट को 4 पार्ट में बांटें। हर एक पार्ट का साइज 6.5 बाय 20 इंच होगा। कैंची से 2 सीधे टुकड़े काटें। पर्दे के आकार को 2 समान टुकड़ों में फिट करने के लिए ट्यूल को काटें। ट्यूल को कपड़े से चिपकाएं। पर्दे के किनारे को फर से सजाएं और इसे हॉट ग्लू के साथ भी जोड़ें। एक हॉट गन का इस्तेमाल करके स्टेज के दोनों साइडों पर पर्दे लगाएं। जोड़ को छिपाने के लिए रिबन के साथ टॉप को सजाएं। पर्दे इकट्ठा करें और उन्हें हॉट ग्लू से जोड़ें। एक रिबन से बो बनाएं। बो को पर्दे से बांधें। ये हो गया सिमेट्रिकल। वाह, हमारा स्टेज इतना कूल हो गया। ये लुभावना है। अगली बात आप जानते हैं कि स्नो क्वीन हमारे परफॉर्मेंस के लिए आती है। बच्चों, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझसे फिर छुप रहे हो? प्लीज मुझे ये ना बताएं कि मैं इस खेल के बाद आया हूँ। तुम वहाँ हो मूर्ख लड़के, वहाँ पर शोर कौन कर रहा है? अरे बाहर आओ। ओह, शो शुरू हो गया, अब हमारी बारी है। दोस्तों स्टेज के पीछे जाओ, हमें एक परफॉर्मेंस तैयार करनी होगी। हम फ्रोजन परफॉर्मेंस करेंगे। मैंने पहले ही सबको बता दिया है, बहुत सारे मेहमान आएंगे। मैं उसके लिए बहुत छोटी हूँ। ये ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। चलो हम थिएटर की सजावट कर रहे हैं। हमें इन चीजों की जरूरत होगी। एक महल, एक शहर और एक विंटर फॉरेस्ट और एल्सा के बर्फ के महल के लिए A3 साइज के पेपर की आकृति, A3 काला कार्डबोर्ड। हमारे छोटे हेल्पर टूल्स ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ स्नो गैंग का लीडर है। हेलो ओला, देखो ये बच्चा कैसे ड्राइंग कर रहा है, वो बहुत टैलेंटेड है। ओला, उसे एक आर्ट स्कूल जाने की जरूरत है। ध्यान से एक महल की आकृति को काटें।
इतने इतने सारे टावर, कुछ मिस मत करना। और मेन डोर को काटना ना भूले, कार्डबोर्ड पर आकृति रखें, इसे सफेद पेंसिल से ट्रेस करें। ओ, ये टावर फिर से, और उन्हें एक और बार काट दें। दूसरी बार आसान होना चाहिए। महल तैयार हो गया, अपना सामान लाओ, हम अंदर जा रहे हैं। उसी तरह से परफॉर्मेंस के लिए और सामान सजावट के लिए काटें। कार्डबोर्ड की एक शीट पर दो आकृति बनाएं। इस तरह हम कार्डबोर्ड और ग्रह को बचाते हैं। स्प्रूस के पेड़ बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए आपको उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। हमारी सजावट इतनी शानदार निकली। हमारे कैरेक्टर्स की फिगर भी काटी। उन्हें मूव करने के लिए हम अलग से आर्म्स को काटते हैं और उन्हें अंगूठे की मदद से जोड़ते हैं। देखा, और एल्सा अपने हाथों को हिला सकती है। ये है बैलेट। अंगूठे के फिगर को शेड करें ताकि वो दिखाई ना दे। ब्रश पर एक विंटर पैटर्न ड्रॉ करें और ध्यान से इसे काट लें। ये बहुत नाजुक निकला। फिगर को हॉट ग्लू करें और हमारी एल्सा स्टेज पर जाने के लिए तैयार है। एना की आकृति के साथ भी ऐसे ही करें। तीसरी घंटी, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? परफॉर्मेंस शुरू हो रही है। गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ आप सभी आज रात यहाँ आए। अभी इतना तेज, खैर नाटक का आनंद लें। ये कहानी एक जगह जो बहुत दूर है वहाँ से शुरू होती है। दो बहन राजकुमारियाँ थी, एना छोटी बहन और एल्सा बड़ी बहन। ये एरेंडल किंगडम में गर्मी है। राजकुमारी एना ने अपनी बहन को जगाया ताकि वो एक साथ खेलें। एल्सा को सच में जादू का इस्तेमाल करके महल में बर्फ और स्नो बनाना पसंद है, इसलिए उसने पहाड़ियों और ढलानों और एल्सा के लिए एक मजेदार स्नोमैन ओलाफ को बनाया। तब तक सब कुछ ठीक हो गया जब तक कि एल्सा ने गलती से अपनी बहन को जादू से नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर के बाद फॉरेस्ट ट्रोल्स ने एना के लिए एक आइडिया खोजा और माता पिता ने जादू को कंट्रोल करने के लिए एल्सा को दस्ताने दिए। उन्होंने महल का गेट बंद कर दिया, इसलिए किसी को उसका राज नहीं पता चला। एल्सा को एना के चोट लगने का इतना डर था कि वो उससे बचने लगी। साल गुजर गए, एल्सा के राज तिलक का दिन आ गया। एना गेट खुलने का इंतजार कर रही थी। मेहमान, खास तौर से सुंदर राजकुमार हंस से मिलना बहुत मजेदार था। एल्सा रानी बनने के लिए तैयार हो रही है और सच में परेशान थी। वो अपने दस्ताने उतारने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने जो भी चीज छुई वो जम गई। पूरी रात एना और हंस बिना रुके डांस करते रहे। उसी रात उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा और उसने कहा हाँ। लेकिन अब एना ने एल्सा को इसके बारे में बताया तो रानी खुश नहीं थी क्योंकि एना हंस को बिल्कुल नहीं जानती थी, एना की शादी को मंजूरी नहीं दी। एल्सा जाने लगी और एना ने गलती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके दस्ताने उतार दिए। एक चाल और सब कुछ बर्फ में बदल गया। एल्सा ने बिना चाहे सब कुछ बर्फ में बदल दिया। वो लोगों की जिंदगी के लिए डर गई और भाग गई। एल्सा ने अपने राज्य से दूर पहाड़ों में एक अजीब बर्फ का महल बनाया। कई सालों में पहली बार उसने खुला महसूस किया। गर्मी का मौसम सर्दियों में वापस बदल गया, अब हर जगह बर्फ थी। एना अपनी बहन की मदद करना चाहती थी, इसके अलावा उसके राज्य को अनफ्रीज करने की जरूरत थी। हर कोई घबरा रहा है। एना ने हंस को छोड़ दिया और पहाड़ों में एल्सा की खोज करने चली गई। एना ने क्रिस्टोफ, एक आइसमैन, इन सबसे जंगल में मुलाकात की। वो जानता था कि सबसे ठंडा पर्वत कहाँ है जहाँ एल्सा छिपी है। हिरन स्वेन क्रिस्टोफ का सबसे अच्छा दोस्त था
क्रिस्टोफ आना की मदद करने के लिए तैयार हो गया। जल्दी आना, क्रिस्टोफ और स्वेन ओलाफ नामक एक स्नोमैन से मिले। एना ने उसे बचपन से याद किया। एल्सा बर्फ से बनी हर चीज से हैरान थी और वो चारों एल्सा की तलाश में चले गए। आखिर में बाहर के कैरेक्टर शानदार महल तक पहुंचे। एना एल्सा से मिलती है और उसे सर्दियों को रोकने के लिए कहती है। एना ने कहा कि पूरा एरेंडल बर्फ से ढका है। एल्सा डरी हुई थी, वो नहीं जानती कि इसे कैसे ठीक किया जाए। एना ने देखा कि एल्सा निराश थी। वो बेबस होकर एल्सा को अपने हाथों से बर्फ फेंकते हुए देख रही है। ओह, कितना बुरा हुआ, उनमें से एक ने एना को मारा और वो जमने लगी क्योंकि एक बर्फ के टुकड़े ने उसके दिल को छुआ। अब बस सच्चा प्यार ही उसे बचा सकता है। हमारे चार बहादुर हीरो महल के लिए आते हैं ताकि हंस अपने किस्से जादू को तोड़ सके। हालांकि हंस उसे चूमने से इनकार कर देता है। वो सच में एना से प्यार नहीं करता था। हंस सिर्फ एरेंडल का राजा बनना चाहता था। एना को बहुत बुरा लगा क्योंकि हंस ने उसे फ्रीज कर दिया था। हंस ने एल्सा से झूठ बोला कि उसकी वजह से एना की मौत हो गई। हंस ने अपनी तलवार निकाल ली। उसी पल एना ने देखा कि हंस तो एल्सा को मारना चाहता है। एना अपनी बहन को बचाना चाहती थी, इसलिए वो एल्सा और हंस के बीच आ गई। तलवार एना पर लगी। एल्सा का बचाव सच्चे प्यार का चिन्ह था और एना ठीक हो गई। एल्सा ने राज्य से जादू को हटा दिया और घर में आ गई। और वो अपने खुद के लिए छोटी सी सर्दियों को लाती है। ये खत्म हुआ। अगर आपको हमारी शेडो थिएटर में परफॉर्मेंस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर बहुत सारी शानदार कहानियाँ देखेंगे।